दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। आज का महत्वपूर्ण हमारा विषय जो है वो फ्रूट फ्लाई के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रूट फ्लाई जिसे फल मक्खी भी कहते हैं, इसके इन्फेक्शन को देखिए। जब ये फल इस तरह से हो जाता है तो ये फल मक्खी के सिम्टम्स होते हैं। फल मक्खी हमेशा फ्रूट्स में भी दिखती है और वेजिटेबल्स में दिखती है। तो इस तरह के जब सिम्टम्स दिखते हैं आपको तो ये फल मक्खी का इन्फेक्शन है। फल मक्खी का अगर हम सिस्टमिक पोजीशन की बात करते हैं तो फल मक्खी का जो नाम है वो बैक्टेरोसेरा डॉर्सलिस या बैक्टेरोसेरा कुकरबिटिस से नाम से आती है। इसके ऑर्डर की हम बात करते हैं तो इसका ऑर्डर डिप्टेरा ऑर्डर है। इसके अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है टेफ्रिटिडी। फैमिली का नाम क्या है? टेफ्रिटिडी। और इसकी जो इन्फेक्शन स्टेज है वो है मैगट। मैगट नाम से यह पौधे में इन्फेक्शन करता है। और इसकी पहचान की अगर हम बात करते हैं तो पहचान में सबसे महत्वपूर्ण है कि टी सेप्ड नाम, टी सेप्ड होता है एब्डोमेन। जो एब्डोमेन होता है वहाँ पर टी सेप्ड मिलेगा आपको जब आप देखेंगे, जैसे आप चित्र में देख सकते हो। इसके अलावा इसका जो थोरेक्स होता है, थोरेक्स पर येलो और ब्लैक कलर की पट्टियाँ मिलेगी। तो यह फ्रूट फ्लाई की पहचान है। फ्रूट फ्लाई कैसे पौधे में इन्फेक्शन करती है, अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि यह डिप्टेरा ऑर्डर में होने के कारण इसमें चार अवस्थाएं आपको मिलेगी। पहली एग होगी, फिर लार्वी होगी, फिर प्यूपी होगी और फिर एडल्ट होगी। एग से लार्वी बनने की जो अवस्था है वो लगभग हमारी 20 दिन में कंप्लीट हो जाती है। लार्वी जो कि मैगट भी कहते हैं इसे, तो लार्वी से प्यूपिल बनने की जो अवस्था है वो लगभग हमारा 20 से 30 दिन के लिए है। इस समय में इन्फेक्शन करते हैं पौधे में। और जो बात कर रहे हैं हम प्यूपी, तो प्यूपी से प्यूपी जो कि सॉइल में हाइबरनेट होता है, तो प्यूपी की जो स्टेज होगी वो लगभग 10 दिन से 12 दिन होगी। इसके बाद एडल्ट होगा और एडल्ट बाद में मेटिंग करेंगे। और मेटिंग करने के बाद ये जो हमारे यंग फ्रूट्स होते हैं चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे स्पोंगर्ड हो, मैंगो हो, तो उनकी छाल के ऊपर ये अपने अंडे देते हैं मेटिंग करने के बाद। और ये अंडे जो होंगे ये क्लस्टर में देते हैं। 3 से 30 अंडे कम से कम ये उस स्किन पर दे देते हैं। और स्किन पर देने के बाद वहाँ पर आपको ये जो अंडे हैं फूटने के बाद इल्लियाँ ढेर सारी हो जाएगी। और ये इल्लियाँ ही कहलाती है मैंगट, या इसी को कहते हैं हम लार्वी। और ये फिर उस फ्रूट की पूरी क्वालिटी को नष्ट कर देते हैं। और फ्रूट जिस तरह से बदबू आने लगती है उसमें, और बदबू आने की वजह से उसकी जो मार्केट क्वालिटी होती है फ्रूट और वेजिटेबल की वो ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना है। इसलिए फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल करने हमें बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए हम 2-3 तरह के उपाय करते हैं। पहला उपाय तो हम इसको स्प्रे से भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्रे कंट्रोल करने के लिए हमें एमामेक्टिन बेंजोएट और डाइक्लोरवास नाम की दवाई आती है, इसका उपयोग करके हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए हमें बेड्स बनाने पड़ते हैं। बेड्स मतलब ये हुआ कि छोटा सा एक कोई भी यंत्र लगते हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें हम थोड़ा सा केरोसिन डालते हैं, थोड़ा सा राइस ब्रेन डालते हैं, थोड़ा सा उसमें नीम ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा उसमें हम जगरी डालते हैं। इस तरह से ये बेड तैयार होता है। और इस बेड को हम 20 से 25 इस तरह से रखते हैं कि इसमें वो फल मक्खी आके गिर जाए और फल मक्खी मर जाए। तो फल मक्खी का एक प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया। कहीं भी फील्ड में जाएंगे तो आपको फल मक्खी का इन्फेक्शन जरूर ही दिखता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। तो धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।